जय माँ कल, आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ ट्रेडमैन टेक्निकल ड्राइवर की वैकेंसी 2023 में निकल के आई थी। 9000 प्लस आप लोग की वैकेंसी थी, बड़ी भर्ती थी आप लोग की। रिटर्न एग्जाम आप लोग के हुए, फिजिकल ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वगैरह यहाँ पे आप लोग के ले लिए गए थे। लेकिन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट दोबारा बुलाए गए फिजिकल ट्रेड के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। पूरी पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई थी। जी हाँ, 15000 प्लस स्टूडेंट, और इसके बाद इनके मेडिकल आप लोग के चल रहे थे, और अभी आप लोग को जानकारी दी गई थी रोजगार मेले की। जी हाँ, तो ज्वाइनिंग कब तक आप लोग की हो सकती है, ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा रोजगार मेले में, और इसके अलावा आप लोग का ट्रेनिंग वगैरह कब तक होंगे। मीन्स लगातार आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप लोग को जानकारी दी जा रही है। तो आप लोग को रोजगार मेले की जानकारी दे दी गई थी कि दिसंबर माह में आप लोग का रोजगार मेला होने वाला है, ऐसी इन्फॉर्मेशन एक नोटिस के माध्यम से निकल के आ रही है। और इसके अलावा एक कोर्स कैलेंडर जो सीआरपीएफ का था, उसके माध्यम से आप लोग को बताया गया था कि आप लोग की जो ट्रेनिंग का शेड्यूल वो जनवरी 2025 से स्टार्ट है। तो सब कुछ यहाँ पे सही चल रहा है, लेकिन स्टूडेंट परेशान है यहाँ पे, जिन बच्चों ने मेडिकल यहाँ पे क्लियर कर लिया है कि सर ज्वाइनिंग डेट आपने बता दी, मीन्स रोजगार मेले की जानकारी आपने दे दी, और इसके अलावा ट्रेनिंग वगैरह कब से होंगे पूरी जानकारी दे दी, लेकिन फाइनल रिजल्ट आएगा कब इसकी जानकारी आपने नहीं दी। तो यदि आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल आप लोग के पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वही आप लोग के साथ शेयर की जाती है। तो यदि आप लोग का यहाँ पे रोजगार मेला हो रहा है, ज्वाइनिंग लेटर आप लोग को मिलने वाला है, ट्रेनिंग वगैरह भी आप लोग की समय से स्टार्ट होगी, तो रोजगार मेले से पहले मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग को आपका जो है फाइनल रिजल्ट यहां देखने को मिल जाएगा। तो कोई डेट यहां पे फिक्स नहीं थी, मैं आप लोग को बता दूं, कोई डेट यहां पे फिक्स नहीं थी। यदि डेट फिक्स होती तो उसी वीडियो में मैं आप लोग को क्लियर कर देता कि इस डेट को आप लोग का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। लेकिन फाइनल रिजल्ट की डेट फिक्स क्यों नहीं है, इसकी जानकारी भी आप लोग को होनी चाहिए, और फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा इस वीडियो में आप लोग को बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए, जो आप लोग की रिक्रूटमेंट थी रिटर्न एग्जाम के बाद, आप लोग का फिजिकल ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हुआ था। 68000 प्लस स्टूडेंट यहां पे दोबारा से बुलाए गए, मीन्स बुलाए गए थे फिजिकल ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। तो इनका मेडिकल फिनिश हो गया था। उसके बाद अभी एक आप लोग की एक नोटिस आई थी, कोर्ट का एक आदेश आया था, आप लोग देख सकते हैं। 68982 स्टूडेंट ने फिजिकल ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद यहां पे दोबारा से 15150 स्टूडेंट को फिजिकल ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया गया। तो ये कोर्ट के आदेश के बाद ही ऐसा हुआ था। और यहां पे आप लोग देख सकते हैं जो न्यू स्टूडेंट थे, यानी कि 15000 प्लस स्टूडेंट, इनके फिजिकल ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल यहां पे चलने वाले थे 22 जी हां 22/11/2024 तक, 22/11/2024 तक इनके आप लोग के जो है फिजिकल ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल यहां पे चलने वाले थे। एक दिन आप लोग के लिए रिजर्व रखा गया था, 23/11/2024 का समय रिजर्व रखा गया था, यानी कि 23 तारीख तक आप लोग के जो है यहाँ पे फिजिकल ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिनिश हो जाने चाहिए थे, जो भी ये 15000 प्लस स्टूडेंट थे। और आप लोग का फाइनल रिजल्ट, जी हाँ फाइनल रिजल्ट में आप लोग को क्लियर कर दूं, नवंबर एंड तक आप लोग को देखने को मिलना था, यही इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी, लेकिन इसकी जानकारी आप लोग को नहीं दी गई, क्योंकि ये कंफर्म था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिले होने वाला है। जी हाँ, तो फाइनल रिजल्ट आपकी डेट अभी भी फिक्स नहीं है, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए ही बनाया गया। देखिए यहां पे आप लोग को जो एक नोटिस के माध्यम से जानकारी दी गई है कि 21 दिसंबर को जो है आप लोग का रोजगार मेला होने वाला, ये बिल्कुल कंफर्म है, 21 दिसंबर रोजगार मेला टेंटेटिव, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर है कि 21 दिसंबर 2024 में रोजगार मेला होगा, और आप लोग की ज्वाइनिंग लेटर यहां पे मिलना चाहिए। सब कुछ सही चल रहा है, मैं आप लोग को बता दूं। और इसके अलावा आप लोग का जो है ट्रेनिंग वगैरह जो है उसका शेड्यूल, उसकी जानकारी भी मैंने आप लोग को दी है कि जनवरी 2025 में आप लोग का ट्रेनिंग का समय यहां पे दिया गया है। यदि आप लोगों ने नोटिस वगैरह देखे होंगे, वीडियोस वगैरह आप लोग देखते हैं, तो आप लोग के पास पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। यदि नहीं देखते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखिए, पल पल की जानकारी आप लोग को दी जाएगी। 6
6 जनवरी 2025 से आप लोग का जो है ट्रेनिंग का शेड्यूल दिया गया। तो इससे पहले ही आप लोग को ज्वाइनिंग करवानी है और रोजगार मेले के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आप लोग का जो है 21 दिसंबर को ज्वाइनिंग लेटर वगैरह जो भी है आपको मेल कर दिया जाएगा या फिर आप लोग को डायरेक्ट दिया जाएगा, जो भी जैसे भी, ठीक है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है, इससे पहले ही आप लोग को यहाँ पे अपना मीन्स फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। फाइनल रिजल्ट की डेट इसलिए नहीं बताई गई क्योंकि जो डेट निकल के आ रही थी वो नंबर लास्ट के निकल के आ रही थी, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कई सेंटरों पे फिजिकल हो रहे थे, मेडिकल वगैरह आप लोग के चल रहे थे। और मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, अभी भी 1-2 सेंटर ऐसे हैं जहां पे कि मेडिकल का प्रोसेस चल रहा है। जी हाँ, मेडिकल फिनिश हो गए हैं, री मेडिकल का प्रोसेस आप लोग का चल रहा है। इसीलिए डेट आप लोग को नहीं बताई गई थी क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेंटर्स में प्रॉब्लम होनी थी। तो अभी मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे एक बच्चे के द्वारा जो है एक फोटो सेंड की गई है यहाँ पे, जो कि आप लोग की जीसी रामपुर की है, ठीक है। रामपुर में री मेडिकल का प्रोसेस चल रहा है, तो रामपुर में अभी आप लोग का री मेडिकल का प्रोसेस चल रहा है। आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आया, 27 नवम्बर 2024 का समय है, जबकि 23 नवंबर 2024 तक आप लोग का मेडिकल री मेडिकल यहाँ पे फिनिश होना था, जो कि 27 नवंबर 2024 तक भी नहीं फिनिश हो चुका है, हो सका है। 1 या 2 सेंटरों की ही बात कर रहा हूं, बाकी सभी सेंटरों का डाटा पहुंच चुका है। तो अब आप लोग ये मान के चलिए, जब तक रामपुर का आप लोग का जो है यहाँ पे री मेडिकल चल रहा है, इससे पहले आप लोग का जो है रायपुर छत्तीसगढ़ का भी चल रहा था, 1-2 सेंटरों की जानकारी लगी थी, ठीक है, उनका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो अभी रामपुर का ही यहाँ पे फाइनल चल रहा है री मेडिकल। तो जैसे ही री मेडिकल फिनिश होता है 1 या 2 दिन जैसे भी है, ठीक है, आज या कल में बिल्कुल आप लोग का जो है डाटा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, कितने बच्चे मेडिकल क्वालिफाई हुए, डाटा आप लोग का सेंटरों पर पहुंचेगा। तो उसके बाद आप लोग का 3 या 4 दिन तक का समय आप लोग का लग सकता है, देखिए बिल्कुल। तो नवंबर लास्ट में ये क्लियर है कि आप लोग का फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, 101% नवंबर लास्ट में आप लोग का फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसी वजह से आपको डेट की जानकारी नहीं दी गई, आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज की जानकारी दी गई कि यदि 21 दिसंबर 2024 को रोजगार मेला हो रहा है तो इससे पहले आप लोग का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये कन्फर्म हो गया आप लोग को, क्यों आप लोग को डेट की जानकारी नहीं दी जा रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोसेस आप लोग का चल ही रहा है। तो जैसे ही मैं आप लोग को बता दूं, यहां से लिस्ट जाएगी सेंटर पे, उसके बाद 2 से 3 या 4 दिन का समय लग सकता है, फाइनल रिजल्ट जो कि आप लोग का रेडी होगा, उसमें जो भी एडजस्टमेंट वगैरह करना होगा उसके बाद ही आप लोग का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आज 27/11/2024 है, तो आप लोग ये मान के चलिए, देखिए डेट अभी भी डिपार्टमेंट ने फिक्स नहीं की, लेकिन आपको मैं एक अंदाजा बता रहा हूं, यहाँ पे दिसंबर फर्स्ट वीक तक आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए, फाइनल रिजल्ट, जी हाँ, यानी कि 7 दिसंबर 2024 तक आप लोग को फाइनल रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि सभी सेंटरों का प्रोसेस कंप्लीट करा लिया गया है, सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटर का री मेडिकल चल रहा है, ये भी फिनिश हो जाएगा, और इसके बाद डाटा पहुंचते ही 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आप लोग का रिजल्ट बिल्कुल आप लोग को मिलना चाहिए। तो डेट अभी भी डिपार्टमेंट ने नहीं बताई है, लेकिन जो आप लोग के रोजगार मेला होना है, जो ट्रेनिंग होना है, और जैसे जैसे डाटा पहुंच रहा है उसको देखते हुए मैंने आप लोग को जानकारी दे दी है कि दिसंबर फर्स्ट वीक का वेट कीजिए, बिल्कुल आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, और कोई कारण नहीं है आपके फाइनल रिजल्ट में देरी होने का। तो टेंशन ना लें, बिल्कुल वेट करें, यदि आप लोग भी मेडिकल पास हैं तो सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस से आने वाले समय में इसी प्रकार के इंपोर्टेंट जानकारी आप लोग को दी जाएगी। तो दिसंबर फर्स्ट वीक आप लोग के लिए इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट है। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट टाइम, बट जाने से पहले आप लोगों से ये कहूंगी चैनल पर चलो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग। थैंक यू, सी नेक्स्ट।